हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ना आज का जो ब्लॉग है ना, मैंने दोपहर के टाइम से स्टार्ट किया है, और इसके पहले का मॉर्निंग का जो ब्लॉग है ना, मैंने मॉर्निंग से बनाया था, वो भी मैंने शूट किया है, पर वो दूसरे वाले चैनल पर आप लोगों को मिलेगा, मेरा जो फर्स्ट वाला चैनल है उस पर। तो इस पर मैंने अभी ये टाइम जो हो रहा था, ये खाना पीना खाने के बाद लगभग 1:30 बजे के टाइम पर हम लोग गए थे थोड़ा सा मार्केट पर। अभी बज रहा है 3 जब हम घर आए तो 3 बज गए थे, और अभी से मैंने सीधे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ था कि ये जो कार्तिक है ना, सैटरडे को स्कूल नहीं जा पाया था, उसके जो जूते हैं ना वो थोड़े से क्या छोटे ही पड़ गए थे। अब क्या होता है, बच्चों की उम्र तो देखिए बढ़ती हुई उम्र होती है, तो जल्दी जल्दी चीज़ें जो है ना छोटी पड़ जाती हैं। तो ड्रेस भी हो गई है एक ठो, लेकिन ये कभी चल रही है, एक छोटी हो गई है, तो पर जूते तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो फिर क्योंकि इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा था, और इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं कितनी दुकानों में जाना पड़ा, 3 से 4 दुकानों में, तो इसके मन के जूते नहीं मिल रहे थे। इतने साहब भाई साहब को इतने अच्छे जूते चाहिए कि अब क्या बताएं, भले ही वो न्यू के न्यू अगले साल छोटे पड़ जाएंगे पिछले। तो ऐसे ही ये जो है ना पिछले साल के, वो भी जूते बिल्कुल ऐसे ही न्यू के न्यू है, एक भी ना ख़राब हुए ना फटे, बस ये है कि छोटे पड़ गए। लेकिन यही होता है, पर क्या कर सकते हैं, किसी को अब देना नहीं देना ये भी अच्छा भी नहीं लगता ना, जूते वगैरह चप्पल। तो कभी कभी मन होता है कि कितने अच्छे बिल्कुल न्यू के न्यू जूते रखे सच में कार्तिक के, वाइट और ये वाले ब्लैक कलर के, पर यही है रख दिए हैं अच्छे से संभाल के, अब रख दिए हैं, पहके नहीं है मैंने। तो वाइट वाले हैं ना ये लेकर आए, वहाँ पर हमने चेक कर लिए थे, लेकिन मोजे के साथ चेक नहीं किए थे, और मैं इससे बोल रही थी जाके वाइट वाला मोजा निकाल के लेके आ जाना, तो वो नहीं सुन रहा था, तो चेक ही करना था। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा इसी से कर लूँ, वाइट ब्लैक वाले से चेक ही करना है, तो फिर ब्लैक वाला ही पहन लिया और अच्छे से आ गए हैं। क्योंकि होता है ना, थोड़ी बहुत अगर छोटा बड़ा हो जाएगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये रहा इसीलिए हम कह के लाए थे कि दुकान वाले भैया से कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप चेंज कर लेना, अब मोजा तो लेके नहीं आया, तो इसीलिए वो घर पे जाके ही चेक करना पड़ेगा। तो खैर ठीक रहा, और देख रहा था क्वालिटी वगैरह, पता नहीं क्या नाम देख रहा था, मुझे तो पता भी नहीं है कि जूतों में भी ब्रांडेड नाम से भी आते हैं, सच बताऊँ मुझे ये सब आइडिया इतना रहता नहीं है। तो वो देख रहा था कि मेरा ब्लैक कलर का जो जूता है वो किस कंपनी का है और ये किस कंपनी का है, तो इतना तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ, बस ये है कि अच्छी लगनी चाहिए चप्पल जूते, बस वो ले लेती हूँ मैं। तो स्लीपर भी लेनी पड़ी, स्लीपर के लिए तो इतना ज़्यादा मुझे परेशान करवाया, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, क्योंकि क्या करता है ये खेलने जाता है ना कार्तिक, तो ये सबसे ज़्यादा दौड़ने भागने वाला खेल जो है ना वो खेलता है, तो इसकी वजह से ना इसकी साल भर में 3 से 4 जोड़ी जो चप्पल है ना मुझे दिलानी पड़ती हैं, तो तोड़ देता है, तोड़ के ले आता है, तो फिर मुझे दोबारा लेनी पड़ती हैं। उसके बाद अब मैंने फिर आकर थोड़ी सी चाय वाय बनाई, और उस टाइम पर मैं बैठ गई थी, पर मैंने समेट के फिर मुझे जाना पड़ा। तो फिर अभी मतलब है ना 2 बजे 2:30 बजे तो मैं बैठ ही जाती हूँ, लेकिन उस टाइम पर मैं जल्दी हो गई थी फ्री। कभी कभी हो जाता है किसी टाइम पे कोई काम कर लेती हूँ, किसी टाइम पे कोई काम तो काम होता है, किसी भी टाइम पर मैनेज कर लेती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने है ना आज जल्दी हो गया था लगभग 1 बजे, तो मैं फिर बैठ गई थी। लेकिन फिर इन लोग है ना लगे जिद करने, दोनों जन बैठ गए थे कि चलो अभी चप्पल लेने चलते हैं, और मेरे लिए भी नहीं थी स्लीपर, तो फिर एक जोड़ी मैंने भी ले ली। और अभी है ना 3 बज रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, यहाँ पर क्लासेस कर लेती हूँ जब तक, क्योंकि 3 बजे और हस्बैंड अभी सो जाएंगे, और यहाँ पर कार्तिक जो है ना वो बैठा है जाने के लिए, लगा था मम्मी खेलने जाना है खेलने जाना है, जाता है ना तो फिर टाइम पर नहीं आता, इसीलिए उसको मना करना पड़ता है बार बार, तो बैठा था। और तो अभी है ना यहाँ पर फिर मैंने चाय तो बना ली थी, और अभी मैं ना लगभग अभी 5 या 5:30 तक ऐसे ही अपना कंटिन्यू कर लूँगी। तो क्या होता है इस टाइम पे ना ये रहता है कि चलो दोपहर के टाइम में अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पर बस मैं अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद शाम को तो उठना ही है, थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, तो कार्तिक बिस्किट लेके आया था ना, तो चाय के साथ वही बिस्किट जो है ना वो हम खा रहे हैं।
तो चलिए तो अब ना देखिए 6 बज गए थे आज। अभी क्या हो रहा है बारिश के टाइम में ना नल हमारे यहाँ के 6 बजे आते हैं, तो लगभग 6 बज गए थे और उसके बाद अब मैं उठ गई, यहाँ उठूँगी। और इस टाइम पर सब लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे और कार्तिक तो लगभग 4 बजे चला गया था जिद करते करते। तो यहाँ पर है ना हस्बैंड कपड़े भी कम से कम ये कि छत से लाकर दे दिए हैं सारे कपड़े, देख रहे होंगे आप लोग पूरी कुर्सी पर रखे हैं, तो सूख गए थे और मौसम भी बिगड़ गया था बारिश वाला जैसा हो रहा था। पर हो रोज़ हो जाता है पर होती नहीं है बारिश। तो यहाँ पर देखिए 6:04 हो गए हैं और अभी नल आ गए थे इस टाइम पर, तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से अब इस टाइम पर काम करना पड़ता है तो उठ जाते हैं। और इस टाइम पर मैं सारे काम निपटा लेती हूँ जो भी शाम के काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू बर्तन और थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं, पानी भरना रहता है सब कुछ। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह जो है ना वो भी फोल्ड कर लिए थे, सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं डायरेक्टली आपसे मिल रही हूँ सीधे खाने के टाइम पर, तो रात का खाना बना रही हूँ। सारा काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और आज बहुत ही सिंपल सी मैंने खाना बनाया है। आज बनाया है अंडा की सब्ज़ी और रोटी। तो कार्तिक को ना जल्दी भूख लगने लगती, वो खेल के आता है ना और आ गया था खेल के 6 बजे आ जाता है खेल के 6:30 बजे, तो 4 बजे गया था और आ जाता है। फिर उसके बाद वो खाना मांगने लगता है, लेकिन जब तक कुछ ना कुछ रखा रहता है ना सुबह का दोपहर का, तो उसको दे देती हूँ मैं खाने के लिए और उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो क्या होता है कि जब मैं अपना शाम का काम करती हूँ ना, जैसे कि पानी वानी का काम कुछ भी, तो वो काम करते जाती हूँ और यहाँ पर किचन का काम भी मैं शुरू कर देती हूँ, कुछ कुछ बनाना स्टार्ट, जो चीज़ें मतलब चढ़ाने की रहती है पकाने की वो कर देती हूँ। मतलब ऐसे करके कोई भी काम होता है किचन का भी साथ के साथ मैं करते जाती हूँ। तो मेरे काम ना बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, सब काम जो है ना एक साथ लेकर चलती हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मेरा खाना लगभग 7:30 बजे बन गया था। अभी मैं कार्तिक को खाना दे दूँगी और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, हम तो खाना अभी खाएंगे नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि जब तक वो आ जाए नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं खाती हूँ, तो हम दोनों साथ में ही खाते हैं। कार्तिक को भूख लगती तो उसको दे देते हैं, बाकी कभी कभी वो भी हमारे लिए वेट कर लेता है। तो अभी मैं उसको खाना दे दूँगी और अभी फिर हस्बैंड आएंगे तो चाय बनाएंगे हम, क्योंकि हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद फिर बाद में खाना खाएंगे। तो इस बीच में जो टाइम मेरे लिए बचा है, अभी बर्तन वगैरह तो इकट्ठे हो गए हैं पर मैं अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि सारे बर्तन जो है ना वो सब मैं खाना खाने के बाद सारे बर्तन को धो लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं कार्तिक को खाना दे रही हूँ और थोड़ा सा जो मेरा बचा हुआ था कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं कंप्यूटर का कर रही थी तो वो थोड़ा सा रह गया था, तो सोचा चलो आज अभी कंप्लीट कर लेते हैं उसको। तो ऐसे करके मेरे काम जो है ना मैनेज मुझे करने पड़ते हैं। आप लोगों को उतना ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, देखिए कोई काम है मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने चल रहे होते हैं, कुछ कैमरे के पीछे, बहुत सारे काम होते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अगर हर चीज़ को मैं दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई मेहनत करता है अपने अपने हिसाब से करता है, तो सबको पता है कि हाँ कितनी कैसी मेहनत लगती है किसी भी काम में। तो हम औरतों को तो खासकर घर भी संभालना पड़ता है और अपनी ये जिम्मेदारी जो भी है हमारे प्रति हो या किसी के प्रति, हमने जो ठाना है तो वो तो जिम्मेदारी ही बनती है। तो ऐसे करके मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।